Hello friends, welcome to our channel My Skills. Today we are going to learn iframe tag. What is iframe tag and where it can be used and what is the benefit to use iframe tag in HTML editor. आज हम ये देखेंगे कि iframe tag क्या होता है, उसके क्या use होते हैं और हम इसको कैसे use कर सकते हैं HTML editor के अंदर. तो आइए देखते हैं practically और एक example. So जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक web page है हमारा, suppose करो, और वेब पेज के ऊपर ये इतने से कॉलम के अंदर यहाँ पर देखेगा, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसमें टेक्स्ट है और जो ये पोर्शन है हमारे पास में इधर जो खाली वाला है इसके अंदर हम आई फ्रेम टैग यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम कोई भी दूसरी वेबसाइट शो कर सकते हैं या दूसरा कंटेंट यूज कर सकते हैं या इसी अपनी वेबसाइट का कोई पेज दूसरा शो करना चाहते हैं यहाँ पर सेम पेज पर. जैसे कि अभी हमारा ये होम पेज है, ये सब होम पेज है यहाँ से यहाँ तक सब. अगर इसी के अंदर किसी कोने में या किसी जगह आप आई फ्रेम यूज करते हैं तो वो आपका एक अलग से सेक्शन हो जाएगा, एक एरिया आपका हो जाएगा, उसके अंदर आप दूसरी वेबसाइट शो कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं. तो अगर आपको आई फ्रेम यूज करना है तो वो यूज उसका क्या होता है, एक वेब पेज पर दूसरी वेबसाइट को शो करना या दूसरे पेपर को या किसी पेज को या किसी कंटेंट को शो करना, उसके लिए यूज होता है आई फ्रेम टैग. तो जैसे कि मैंने इस हिस्से के अंदर यहाँ पर हमने यूज किया आई फ्रेम टैग, तो इसके अंदर जो भी आई फ्रेम के अंदर हम देंगे तो इस एरिया के अंदर ही वो शो होगा. जैसे कि आपकी कोई वेब पेज ओपन होता है उसके अंदर ये आपका मेन कंटेंट है, इधर सब कुछ ये सब आपका मेन कंटेंट है इधर, और ये वाला जो एरिया है आपका, ये जितना भी एरिया है यहाँ पर, इस वाले एरिया के अंदर आपका आई फ्रेम में जो भी आप देंगे वो शो होगा सेम पेज के ऊपर. तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करते कैसे एडिटर के अंदर. सो अभी फिलहाल हमारे पास में जो है वो बॉडी बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. अभी हम आई फ्रेम टैग लगाएंगे बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले और आई लिखेंगे आई फ्रेम, आई एफ आर ए एम आई फ्रेम, मैंने ये लिखा. अब इसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद हम सोर्स देंगे, यानी कि आई फ्रेम के अंदर आप क्या दिखाना चाहते हैं, कोई लिंक दिखाना चाहते हैं किसी दूसरी वेबसाइट का या कोई पेज दिखाना चाहते हैं अपनी ही वेबसाइट का या फिर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं अपनी ही या किसी अपने फोल्डर की, तो उसके लिए हम सोर्स लिखेंगे src. अब यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमको देना है जो चीज़ हमको शो करनी है. अभी मैं यहाँ पर कोई इमेज पड़ी है मेरे पास, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ये मारा jpg कर देते हैं, इसको मैंने किया. और अब हम इसको इसकी एक विड्थ भी दे देते हैं, यानी कि हम इसको कितना जो हमारा आई फ्रेम का एरिया होगा उसको कितना चौड़ा लंबा होना चाहिए उसको यहाँ पर कर देते हैं विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल. और इसकी हाइट भी दे देते हैं कि ये हाइट भी इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल. अब आई फ्रेम को क्लोज कर देते हैं, ये हमने आई फ्रेम को क्लोज कर दिया. अब ये जो टैग हमने लगाया पूरा ये एक एरिया बन गया हमारे पेज के ऊपर जहाँ पर हम कुछ भी शो कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट का लिंक या कोई इमेज या कुछ. कंट्रोल से सेव किया मैंने और जाकर के ब्राउज़र में देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये एक एरिया बन चुका है इतना, ये आपका एरिया होगा आई फ्रेम का. यहाँ पर आप दूसरी वेबसाइट शो कर सकते हैं, ये पूरी स्क्रीन है आपकी, ये जो आपकी वेबसाइट पर शो होगी उसी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट शो करने के लिए ये आपने एरिया ले लिया आई फ्रेम टैग के लिए, और इसके अंदर आप कोई इमेज या कोई टैग या कोई लिंक शो कर सकते हैं. अब मान लो आपको कोई टेक्स्ट लिखना है इसके यहाँ इस साइड में नीचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे पी और मैं लिख देता हूँ कुछ भी, वेलकम टू आवर चैनल माई स्किल्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो यार, इसे सब्सक्राइब शेयर करो. तो ये मैंने किया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दो तीन बार इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+C. तो मैंने ये एक पैराग्राफ बना लिया, कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा यहाँ पर ये पैराग्राफ इसके नीचे आ गया. अगर आप चाहते हैं ये पैराग्राफ इसके यहाँ राइट साइड में आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे या राइट कर देंगे. यहाँ पर उसके लिए एट्रीब्यूट आता है इसी आई फ्रेम टैग के अंदर ही, हम लिखेंगे उसको अलाइन होता है इसको लेफ्ट राइट करने के लिए, और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कर देते हैं हम, इसको राइट कर देते हैं. कंट्रोल से सेव किया मैंने, अब वो जो हमारा आई फ्रेम का एरिया है वो राइट में जाएगा, ये देखेगा और ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया. अब मान लो आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट में ही रहे ना कि राइट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं लेफ्ट, और कंट्रोल से सेव किया मैंने,
और ब्राउजर में गए, ये देखे लेफ्ट में आ गए। अब लेफ्ट करने से क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट भी इधर ही शो कर रहा था और लेफ्ट करने से भी इधर ही, पर ये अभी क्या है कि टेक्स्ट ऊपर आ गया, अगर हम लेफ्ट नहीं डालेंगे तो ये टेक्स्ट नीचे रहेगा इसके, तो लेफ्ट हम जब कर देंगे तो ये आई फ्रेम इधर और ये टेक्स्ट इसके साइड में चला जाएगा। आप चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो और ज़्यादा बड़ी करते हैं तो 600 कर देते हैं, 600। कंट्रोलर से सेव किया मैंने और ब्राउज़र में ये देखिए थोड़ा और चौड़ा हो गया ये। तो ऐसे करके आप आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं इसके। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आई फ्रेम मैंने ओपन किया इसके अंदर मैंने सोर्स दिया, आई फ्रेम के अंदर आप सो जो करना चाहते हैं वो सोर्स के अंदर देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने इमेज दिया हुआ है, यहाँ कोई लिंक दे सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं या अपने ही पेज का कोई लिंक दे सकते हैं। उसके बाद आप इसकी चौड़ाई लंबाई कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ विड्थ दिया मैंने चौड़ाई 600 पिक्सल, इसकी हाइट मैंने 500 पिक्सल दे दी, और अलाइन जो किया मैंने वो उसको लेफ्ट और राइट करने के लिए किया, और फिर मैंने बाद में इसको आई फ्रेम को क्लोज कर दिया। अब जब क्लोज हो गया, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो हमारी बॉडी पे शो होगा, जो हमारा मेन पेज है, और ये आई फ्रेम का जो एरिया है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर आई फ्रेम क्लोज किया मैंने। तो आई होप आपको ये आई फ्रेम टैग समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो कृपया इसकी प्रैक्टिस करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हर रोज़ ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माई स्किल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।